लिए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्य। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। आतंक की फैक्ट्री जिस सोच के कारण जन्मित थी, जिस सोच के कारण चलती थी, वो सोच को पोषण करने वाला धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने नाबूद कर दिया। देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को अपील करना चाहता हूं, एनडीए अलायंस से कांग्रेस और उनके साथी गुमराह करेंगे, मत डरना। गुजरात भर से कई जिलों से आए हुए शरणार्थी अब तक कहलाते थे, आज से भारत माता के परिवार में आप लोग शामिल हो जाएंगे। ऐसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मेरे जैसे समाज जीवन के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि ये सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम, और पास्ट में भारत सरकार जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला। उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई, क्योंकि वो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई, यहां पर भी हुई। लाखों करोड़ों लोग तीन तीन पीढ़ियां हो गई न्याय के लिए तरसते रहे, मगर एक इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इस शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इनको न्याय देने का। मैं आज सीएए के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूं कि सीएए क्यों लाना पड़ा। किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त धर्म के आधार पर किया गया, और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया तब भयानक दंगे हुए, स्वाभाविक था होंगे, मगर विजुलाइज नहीं कर पाए। अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विभाजन विभीषिका दिन मनाने का काम किया है। भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारावार वेदना जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहते थे उनको सहन करनी पड़ी, हम नहीं भूल सकते। परिवार के परिवार उजड़ गए, करोड़ोंपति अरबोंपति हमारे गांधीधाम में रोड पर आकर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। इससे ज्यादा अत्याचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं, और उस वक्त विभाजन का फैसला तो किया, मगर जब ये परिणाम आने लगे, कांग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, आपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा। करना भी चाहिए था, बड़ा उचित निर्णय कांग्रेस के नेताओं ने लिया था, मगर जैसे जैसे चुनाव आया वो निर्णय से मुकरते गए। सन 47 में किया हुआ वादा, 48 में किया हुआ वादा, 50 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा
कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी और तुष्टिकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वो वहां से भाग कर आए, प्रताड़ना झेल कर आए, अपना परिवार कई लोगों ने गवाया, कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए और यहां आए, यहां उनको नागरिकता भी नहीं दी। 47 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 ये यात्रा इस देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा। मैं आज इस मंच से जिन जिन लोगों ने सरकारें चलाई उनको पूछना चाहता हूं, क्या दोष था इन लोगों का जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए, वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते? एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए और जो कानून को मानते हैं आपको एप्लीकेशन की उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। कानून लोगों के लिए होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते हैं। हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीए लाएंगे और 2019 में हम सीए लेकर आए और करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख जिनको न्याय नहीं मिला था उनको न्याय देने की शुरुआत हुई। मैं आज इस मंच से स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मैं काफी समय चुप रहा हूं, ये कानून पारित हुआ था 19 में, 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, अभी हमने दी। इनके चेहरे देखिए, हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है। इतने सालों तक तुष्टिकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य। 19 में कानून पारित होते हुए भी आज 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं, क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। और मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी सीए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो शरणार्थी मेरे भाई बहन आए हैं उनको नागरिकता और सम्मान देने का कार्यक्रम है, अधिकार। और आज भी कुछ राज्य सरकारें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही। मैं आज मंच से देश भर के शरणार्थी भाइयों को कहता हूं कि आप बेझिझक एप्लीकेशन करिए, नागरिकता प्राप्त करिए, आराम से करिए। इससे पास्ट में अगर आपने आपकी नौकरी है तो वो चालू रहेगी, आपका मकान है वो आपके नाम पर ही रहेगा, आपके सारे काम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सुधारने, इसमें कोई क्रिमिनल केस का प्रोविजन नहीं, सबको पार्डन दिया गया है। और पार्डन इसलिए लिया है कि सरकार के कारण ये देरी हुई, आपके कारण नहीं हुई। मैंने अभी बहन को पूछा कब आई आप, तो 95 में आई, 95 से अब तक किसने देरी की? वो तो तुरंत चाहती थी मैं भारत की नागरिक बनूं, मगर किसने नहीं बनने दिया? सरकार ने कहा, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। और आज मुझे बड़ा दिल में बहुत संतोष है कि मेरे ही राज्य में आज 188 परिवार
माँ भारती के परिवार बनकर हमारे भाई बहन बनकर हमारे साथ सम्मान के साथ। और मैं आज अपील करना चाहता हूं देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को, किसी कोई भी गुमराह करे, कोई भी पार्टी करे, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, मगर आप मत मानिएगा, ये कानून आपको न्याय देने के लिए है। आपके साथ जो अत्याचार हुए हैं, इसकी क्षमा के साथ परिमार्जन के लिए आपको सम्मान देने का कानून। जो विभाजन की विभीषिका को झेले हैं और बाद में भी जो वहां रहे, आज हमें पूछते थे संसद में मुझे विपक्ष के मित्र, क्यों ये कानून, क्यों ऐसा। मैं आज उनको कहना चाहता, जब विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है, कहां गया। जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, 27% हिंदू था, या तो वो यहां आए शरण में आए या धर्म परिवर्तन कर, क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म में जीने का अधिकार नहीं है क्या। अगर पड़ोस के देश में अपने समान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं तो हम क्या करेंगे। हम मुख दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। और सालों से इस शरणार्थियों की मांग थी, 19 में मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण फैसला लिया, कानून पारित हुआ, आंदोलन हुए, कुछ जगह पे हिंसक घटनाएं भी हुई, जो हुआ हुआ, अंततोगत 24 के चुनाव के पहले हमने रूल्स बनाकर अधिकार दे दिया और आज सर्टिफिकेट भी दे दिया आप लोगों को। आप सभी का हृदय से भारत माता की संतान के नाते इस देश में मैं स्वागत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आप जियोगे, इसका मैं विश्वास भी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया, तब मोदी जी ने इस देश की जनता को कहा था कि इस देश का लोकतंत्र परिवारवाद से पीड़ित है, जातिवाद से पीड़ित है, तुष्टिकरण से पीड़ित है और भ्रष्टाचार से पीड़ित। ये चारों नासूरों को नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में उखाड़ने के लिए अथक प्रयास किया। परिवारवाद के खिलाफ 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की, अपील की है, कैसे 1,00,000 युवा राजनीति में जुड़े जिनके परिवार में से कोई राजनीति में नहीं, कोई राजनीति, ये अपील की। और परिवारवादी पार्टियों को घोर पराजय भी देश की जनता ने घोर पराजय दिखाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जंग किया, जातिवाद के खिलाफ भी किया, उन्होंने जातिवाद के नासूर को समाप्त करने के लिए 4 जातियां घोषित की, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान, ये 4 जातियों में ही पूरा देश बटा हुआ है और ये 4 जातियों को एक नए प्रकार की राजनीतिक फिलसफी उन्होंने देश के सामने रखी और उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति को भी तिलांजलि दे दी। इस देश के कई मसले ऐसे अटके पड़े थे, राम मंदिर का मसला अटका था 550 साल से, आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाने का काम पूरा है। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से बन गया, मोहम्मद बेगड़ा ने तोड़ा हुआ हमारा पावागढ़ के शक्तिपीठ का भी पुनरुद्धार। इस देश में 3 तलाक को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। आतंक की फैक्ट्री जिस सोच के कारण जन्मित थी, जिस सोच के कारण चलती थी, वो सोच को पोषण करने वाला धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने नाबूद कर दिया। करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाइयों को जो अन्याय करने वाला उनका
अधिकार से वंचित रखने वाला कानून का संशोधन अटका था, उस सीएए का संशोधन भी नरेंद्र मोदी जी ने लाकर देश के अंदर एक न्याय का वादा। मैं अंत में फिर से एक बार देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को अपील करना चाहता हूं, एनडीए अलायंस से कांग्रेस और उनके साथी गुमराह करेंगे, मत डरना। मैं देश के गृह मंत्री नाते कहता हूं, आप एप्लीकेशन कर दो, आपको न्याय मिलेगा, कोई कोर्ट केस नहीं। और ये तो उदाहरण है, 188 परिवार, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, नागरिक भी बन गए, उनके बच्चे एमएलए भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, आईएएस भी। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आप इनके साथ अन्याय कर रहे हो। आप में तो हिम्मत नहीं थी वोट बैंक के कारण कानून लाने की, मोदी जी लाए हैं, कम से कम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का हम करने के लिए हमारा समर्थन कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।